फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ डिजिटल हेडेंट पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले आपने डिजिटल हेडेंट के डिवाइसेस के बारे में देखा, फिर कैश एसएमएस के बारे में देखा, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तरीके से हेडेंट टूर कराने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ आपको डिश से लेकर हेडन इक्विपमेंट से लेकर हर एक चीज को आपका छोटा छोटा टूर दिखा दूंगा। उसके बाद मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बताऊंगा। तो चलिए ले चलते हैं और दिखाता हूँ एक एक करके आपको। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है 12 फीट का डिश और इसके ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे LNB। ये आपका यहाँ पे दो LNB लगा है, एक हॉरिजेंटल के लिए और एक वर्टिकल के लिए। तो ये डिश सेट होने के बाद इस तरीके का ये सेटअप होता है। आप देख सकते हो ऐसा डिश लगा हुआ है जिससे हम लोग पर्टिकुलर सैटेलाइट का सिग्नल ग्रैब करते हैं। उसके बाद मैं आप कंट्रोल रूम में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, अभी मैंने डिश दिखाया, डिश पे दो LNBs लगे हुए हैं नॉर्थ सेट का, एक हॉरिजेंटल फिट के लिए और एक वर्टिकल फिट के लिए। उसके थ्रू हम लोग सिग्नल पर्टिकुलर सैटेलाइट का लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके का रैक लगाया जाता है और इस रैक में आप देखोगे तो मल्टीपल डिकोडर्स दिख रहे हो आपको। ये एक FPA चैनल का डिकोडर है और यहाँ पे एक इनकोडर लगा हुआ है। आप देख सकते हो कि जितने भी डिकोडर है सभी का ऑडियो वीडियो इस इनकोडर से कनेक्टेड है, सारा ईच एंड एवरी इनकोडर का कनेक्टेड है। सेम यहाँ पे एक और रैक लगा हुआ है, इस पे भी सेम प्रोसीजर है। हर एक चैनल को हम लोगों ने लॉक करके रखा है, डिकोडर से कनेक्ट करके रखा है। इस तरीके से आपको पर्टिकुलर जो भी डिकोडर्स लगे हुए हैं उन सारे डिकोडरों में RF सिग्नल इंसर्ट करके चैनल ट्यून करके, चैनल ट्यून करने के बाद उसका ऑडियो वीडियो लेकर इनकोडर पे इंसर्ट कर दिया गया है। उसके बाद इनकोडर से हम लोग, आप देख सकते हो यहाँ पे एक इथरनेट केबल लगी हुई है। इस इथरनेट केबल के माध्यम से हम लोग स्विच पे डेटा लेके आते हैं। यहाँ पे मैं एक स्विच है वो आपको दिखा देता हूँ। इनकोडर का जितना भी डेटा आता है एक मैनेजेबल स्विच लगा देते हैं, स्विच पे इनकोडर जितने भी सारे इनकोडर का डेटा ले लिया और एक फाइनल आउट लेकर हम लोग मल्टीप्लेक्सर पे लेके चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से डेटा को असाइन किया जाता है कट। तो गाइज, अभी मैं कंट्रोल रूम में हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये है मल्टीप्लेक्सर और इस मल्टीप्लेक्सर पे आपका जितना भी इनकोडर है, IRD या डिकोडर है, सारा डेटा यहाँ पे आता है और यहाँ पे हम लोग चैनल को पास कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं ACMG, MMG मिल रहा है, TS लॉक है, इट मीन्स कि सिग्नल भी मिल रहा है, चैनल स्क्रैम्बल मोड में भी चल रहा है और इस तरीके से हम लोग चलाते हैं। और साथ ही आपको मैं इधर आ जाऊँ और इधर दिखा दूँ कि ये सारे हेडेंट्स हमने रैक लगा रखा है जिसपे आपके चैनल्स वगैरह सारे चल रहे हैं और यहाँ से PFTA सारे चैनल्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट। इस तरीके से हेडेंट का ओवरव्यू होता है, इस तरीके से ऐसे रैक लगे रहते हैं और हर एक रैक पे आप देखोगे IRDs वगैरह यहाँ पे मैंने लगा रखा है FTA चैनल्स के लिए। और इसके बाद ये हमारा मक्स लगा हुआ है, यहाँ पे सारा डेटा आते रहता है। करूँ ये सॉफ्टवेयर होता है NMS और यहाँ पे जो इनकोडर में आप मल्टीकास्ट IP सेट करते हो ये मल्टीकास्ट IP पे सारे चैनल्स आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने चैनल यहाँ पे एबिलिटी है, इस तरीके से पर्च करना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको मेरे हेडेंट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ये देखिए सारा चैनल यहाँ पे इस तरीके से दिखता है और सेम चैनल इस आउटसाइड में ये करते हैं, पास करते हैं। पास करने के बाद यहाँ से आकर मॉडिफाई करना होता है, मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम नेम जिसे कहते हैं सर्विस ID और सर्विस नेम डालना होता है। ये डालने के बाद फिर हम लोग, मैंने बात करा था स्क्रैम्बलर के बारे में, स्क्रैम्बलर पे आना होता है और यहाँ पे स्क्रैम्बलर को चैनल को लॉक करना होता है थ्रू एक्सेस क्राइटेरिया। सपोज स्टार प्लस है तो आप देखिए यहाँ पे स्टार प्लस का SC इंडेक्स यानी कि एक्सेस क्राइटेरिया इंडेक्स यहाँ पे आपको सारा दिखेगा इस तरीके से। और आप इसे ऐड भी कर सकते हैं SC टेबल में आकर, यहाँ पे हर एक चैनल का ऐड करना होता है। उसके बाद आप चैनल वाइज इसे लॉक कर देंगे, लॉक करने के बाद चैनल आपका स्क्रैम्बल हो जाएगा। उसके बाद आपको आना होता है ट्रांसक्वैम पे, ये आपका क्वैम है। यहाँ पे आउटपुट जो होता है J83.DBBC में रखते हैं। फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं 306 से स्टार्ट है, 306, 14, 22, 330 और यहाँ पे आप देख लीजिए आउटपुट कितना आ रहा है 34 MBPS, 35, 35, 35।
अगर किसी का सिग्नल डीबी ज्यादा कम आता है तो यहाँ से मैंने मैन्युअली मैनेज कर रखा है इसका, अगर कम आ रहा था तो 1.5 डीबी बढ़ाया हुआ है, ये लोग 0.5 डीबी बढ़ा के मेंटेन किया हुआ है सिग्नल को। गाइस ए है ट्रांसकोडर, इसका ए यूज होता है एफटीएच चैनल को यूज करने के लिए। आप इस पे आप देख सकते हैं किसी भी ट्रांसकोडर पे, ये 6 ट्यूनर का ट्रांसकोडर मेरे पे अवेलेबल है, 6 डिफरेंट सिग्नल मैंने डाल रखा है और जो जो चैनल है मुझे यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सपोज मैं पहले ट्यूनर की अगर बात करूँ तो पहले ट्यूनर पे मैंने एक फ्रिक्वेंसी, एक सिम्बोल रेट ऐड कर दिया है और उस पे आप जिस स्टार्ट फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं 3958 फ्रिक्वेंसी है, उसके बाद हमने सिम्बोल रेट यहाँ पे ऐड कर दिया और उसके बाद इसका जो भी है LNB फ्रिक्वेंसी वगैरह सी बैंड का है तो 5150 होना चाहिए। इसके बाद ऐड करने के बाद हम लोग इस चैनल को सेम पास कर लिया जाता है मक्स पे और वहां से चैनल को आप चला सकते हो। तो गाइज ये बेसिकली था एक हेड एंड टूर, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बताया डीसेस कैसे है, इनकोडर, आपका मक्स किस तरीके से, थोड़ा सा ब्रीफ दिया हूँ इन कॉन्फ़िगरेशन का। अगर हर एक चीज का कॉन्फ़िगरेशन आप देखना चाहते हैं तो मेरे हेड एंड वीडियो नाम का एक प्लेलिस्ट है, उस पर आपको इनकोडर, IRD, क्वैम, कैश, इसमें सारी चीज का कॉन्फ़िगरेशन और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट।